Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing good. I welcome all of you on WS Academy and thank you so much for your lovely response, which we are getting through your likes and comments. And I'm monitoring comments myself. And thank you so much. Thank you once again. एंड ऑल ऑफ़ यू नो कि आपको मैराथन सेशंस मिल रहे हैं. जियोग्राफी के मैराथन्स भी हमने कंप्लीट किए हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एंड वन मोर जेके रिऑर्गनाइजेशन एक्ट एंड इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी. आपको रोज़ मिलता है एक एक मैराथन, उसमें बहुत ही वंडरफुल क्वेश्चंस आर देयर. बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो कंपोनेंट भी. बाकी इंडियन पॉलिटी की भी हमने बहुत सारे MCQs कराए हैं. जिस बच्चे का मिस हुआ है वो या नहीं देखा है, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है. प्लेलिस्ट बना के रखा है हर एक चीज़ का, आप देख सकते हैं. प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं. जिस भी कंपोनेंट के आपके MCQs चाहिए वहाँ पे है. आर्ट एंड कल्चर भी है, इकोलॉजी अनाउंट भी है, इंडियन पॉलिटी भी है, कंप्यूटर्स, इंग्लिश एंड बाकी मैराथन सीरीज भी जो चल रही है, जियोग्राफी एंड ऑल दैट. सो इन टूडेज दिस सेशन वी आर गोइंग टू डू 1500 वन लाइनर्स फॉर कंप्यूटर्स. 1500 वन लाइनर्स, यू नो कि 30 मार्क्स आपको सबसे ज़्यादा आप SSB कंप्यूटर्स में वेटेज देता है. एंड मैं चाहती हूँ कि चाहे पेपर कितना ईजी हो, चाहे पेपर कितना टफ हो, चाहे कितना मॉडरेट लेवल हो, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए. सो वी विल डू अ लॉट ऑफ MCQ सीरीज एज वेल. मैंने आपको 12 पार्ट्स MCQs कराए हैं कंप्यूटर्स के, इंशाल्लाह उसको भी हम साथ साथ करेंगे और हम मैराथन्स भी करेंगे, ठीक है. इसमें हम 1500 वन लाइनर्स करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो क्वेश्चन नंबर, सो पॉइंट नंबर वन, आप सबको पता होगा जो फादर ऑफ कंप्यूटर्स है वो किसको माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को माना जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर्स. बिल्कुल याद रखना है आपको. जो पहले पहले कंप्यूटर्स थे उनकी जब प्रोग्रामिंग की गई तो उनकी प्रोग्रामिंग कैसे की गई? मशीन लैंग्वेज के द्वारा. आपको पता है आजकल बहुत सारी लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, सी है, सी हैश है, जावा है, लेकिन पहले पहले जब कंप्यूटर्स की प्रोग्रामिंग की गई वो मशीन लैंग्वेज के द्वारा ही की गई. सिंपल प्रोग्राम्स ही. और मशीन लैंग्वेज होती है जो जीरोज एंड वंस की बनी हुई होती है. ये डिफ़िकल्ट होती है, इसमें एरर देखना भी डिफ़िकल्ट होता है और एरर भी हो सकता है, चांसेस हो सकता है. लेकिन मशीन जो है, कंप्यूटर जो है, वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझती है. अगर आपको कोई फाइल होती है उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, उसका आप पर्टिकुलर नेम देते हो, एक यूनिक नेम देते हो, उसको हम फाइल नेम बोलते हैं. कि कल को अगर हमें ज़रूरत होती है तो हम सर्च करते हैं फाइल नेम तो आराम से मिल जाता है. दिस कैन बी अनदर वर्ड फॉर, या फॉर एग्जाम्पल, एनी डेटा और इंस्ट्रक्शन एंटर्ड इन टू द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज कंसिडर्ड एज स्टोरेज. कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी इंस्ट्रक्शन हो जो हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं फिर उसमें रखते हैं, उसको हम एज अ स्टोरेज रखते हैं कंप्यूटर में. अच्छा, मोनीटर जो होता है, मोनीटर एक आउटपुट डिवाइस है. जो भी आप काम करते हैं कंप्यूटर में, प्रोसेसिंग कराते हैं, फिर उसको डिस्प्ले जब कराना होता है, जब भी डिस्प्ले होता है हमारा कोई काम, वो मोनीटर पर हम देखते हैं. तो मोनीटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस. मोनीटर हार्डवेयर है क्योंकि हम उसको टच कर सकते हैं, हम देखते हैं. तो मोनीटर जो है ये एक आउटपुट डिवाइस है. जो भी काम हमें डिस्प्ले कराना होता है स्क्रीन पे तो हम मोनीटर पे करते हैं, ठीक है. अच्छा, जब एक सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को बोलती हैं कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम. तो प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम होता है सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है प्रोग्राम. गॉट इट? प्रोग्राम क्या होता है? सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है. हार्डवेयर जो होता है, हार्डवेयर कंप्यूटर का एक ऐसा पार्ट होता है जिसको आप टच कर सकते हो और फील कर सकते हो. जैसे जैसे माउस होता है ना, माउस होता है, जैसे कीबोर्ड होता है, ठीक है, जैसे CPU होता है, मॉनिटर होता है, ये सारे हार्डवेयर से, हार्डवेयर को आप टच भी कर सकते हो और फील भी कर सकते हैं, ठीक है. अगर कंप्यूटर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो होता है उसका काम क्या होता है? कंप्यूटर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का काम होता है, अगर कोई कंप्यूटर खरीदने आता है, आपको पहले खरीदने वाले की जो है नीड्स को देखना है, उसको क्या चाहिए, उसको किस काम के लिए चाहिए, फिर उसी के हिसाब से मैच करना है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है. उस किस तरीके का, उसको किस तरीके का कंप्यूटर चाहिए, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर्स डिफरेंट स्टोरेज मेमोरी के होते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के होते हैं, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के होते हैं, तो उसी हिसाब से उसको प्रोवाइड करना है कंप्यूटर. अगर हम सुपर कंप्यूटर्स की बात करेंगे, सुपर कंप्यूटर्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट, बड़े होते हैं और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं कंप्यूटर्स. कौन सुपर कंप्यूटर्स? इनकी स्पीड बहुत ज़बरदस्त होती है, ठीक है. अगर हम इंडिया की बात करेंगे, अरिवात इस टाइम पे AIRAWAT बहुत ही फास्टेस्ट कंप्यूटर माना जाता है, सुपर कंप्यूटर इंडिया का, जिसमें 75th रैंक आउट ऑफ टॉप 500 जो सुपर कंप्यूटर्स है इंडिया को मिली है. जो एग्जीक्यूटिंग होती है ना, एग्जीक्यूटिंग होती है प्रोसेस किसकी? कैरिंग आउट कमांड्स. कमांड्स को कैरी आउट करने की प्रोसेस जो होती है ना, वो एग्जीक्यूटिंग होती है, ठीक है.
शाबाश. जो रेक्टेंगुलर एरिया होता है ना स्क्रीन पे, जिस पे डिस्प्ले होता है प्रोग्राम डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन, जब हमें देखना होता है आउटपुट और हम डिस्प्ले कराते हैं, तो जैसे मॉनिटर की वो मॉनिटर जो होता है ना बाहर से हार्डवेयर, और फिर उसकी वो रेक्टेंगुलर स्क्रीन पे जिस पे आता है, उसको हम विंडो बोलते हैं. क्या बोलते हैं? विंडो. उस रेक्टेंगुलर एरिया को, जो स्क्रीन की रेक्टेंगुलर एरिया होती है ना जिस पे कोई प्रोग्राम डेटा इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है, उसको हम बोलते हैं विंडो. क्या बोलते हैं? विंडो बोला जाता है. गॉट इट? ओके. द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सर्वर ऑन द इंटरनेट इज नोन एज डाउनलोडिंग. क्योंकि जो इंटरनेट है ना वो क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल पे इंटरनेट काम करता है. क्लाइंट होता है हम, जब हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमें कोई चीज़ सर्च करनी है. सर्वर होता है ऐसा कोई कंप्यूटर इंटरनेट के साथ जुड़ा होता है जहाँ से हमें मिलता है डेटा, और वो हमारी रिक्वेस्ट को क्या करता है, जब वो सर्च करता है और हमारी जो रिक्वेस्ट की होती है फाइल वो देता है, और वो फाइल जब हमारे कंप्यूटर में आती है उसको हम बोलते हैं डाउनलोडिंग. क्या बोलते हैं हम? डाउनलोडिंग. जब हम सर्वर से, जो इंटरनेट पे कोई भी सर्वर होता है उसे इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, उसको हम बोलते हैं डाउनलोडिंग. और अगर हम कोई इंफॉर्मेशन दे दें इंटरनेट को, प्रोवाइड करें, हम जैसे हम YouTube पे कोई इंफॉर्मेशन डालते हैं, हम अपने Facebook पे डालते हैं, उसको हम बोलते हैं अपलोडिंग. क्या बोलते हैं? अपलोडिंग. उल्टा डाउनलोडिंग का, ठीक है. डिस्क ड्राइव इज अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, हेल्प्स टू स्टोर इन्फॉर्मेशन. डिस्क ड्राइव हेल्प करता है हमें इन्फॉर्मेशन स्टोर करने में कंप्यूटर में, ठीक है. अगर हम ALU यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो हमारा होता है, ALU अर्थमेटिक, जो उसमें अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, तो CPU में जैसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ALU यूनिट होता है, उसमें कौन से अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं? उसमें एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस उसमें होते हैं. जो कीबोर्ड होता है ये किंग ऑफ इनपुट डिवाइसेस माना जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा इनपुट डिवाइसेस होते हैं जहां से हम, जिनके थ्रू ऐसे डिवाइसेस, जिन डिवाइसेस के थ्रू हम ये इंफॉर्मेशन देते हैं कंप्यूटर को, ठीक है, तो उनको हम इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं. जैसे माउस होता है, कीबोर्ड होता है, स्कैनर होता है, कोड रीडर होता है, उनमें से एक कीबोर्ड भी है. कीबोर्ड पे कीज होती है, हम कीज प्रेस करके इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, तो इसीलिए ये माना जाता है किंग ऑफ इनपुट डिवाइसेस, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज हम इस्तेमाल इसी का करते हैं. किसका? कीबोर्ड का ही करते हैं, ठीक है. अगर हमारे प्रोग्राम में या कंप्यूटर में, कंप्यूटर के जो प्रोग्राम होता है ना उसमें कोई भी एरर होगा ना, उसको हम बोलते हैं बग. क्या बोलते हैं? बग. और जब ये एरर हम निकालते हैं, हम चाहते हैं इस एरर को दूर करें, उस टाइम उस प्रोसेस को हम डीबगिंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डीबगिंग बोलते हैं. तो कोई भी एरर अगर हमारे प्रोग्राम में होता है, हम बोलते हैं देयर इज अ बग. कंप्यूटर में कोई एरर आ गया, बग इज इन द कंप्यूटर, सो वी आर डीबगिंग द कंप्यूटर. सो जब हम उस बग को, उस एरर को निकालते हैं, उसको हम डीबगिंग बोलते हैं. अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड एंड डील्ड विद एज अ यूनिट इज अ फाइल. एक फाइल में क्या होता है, एक उसमें रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जैसे पिक्चर्स की एक फाइल होती है, उसमें ये रिलेशन है आपस में कि सारे पिक्चर्स होते हैं. वीडियोस की एक फाइल हम बनाते हैं, ऐसे ही पिकनिक के पिक्चर्स अलग बनाते हैं, ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स अलग रखते हैं. तो फाइल में रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है जहाँ पे वो स्टोर रहती है एज अ यूनिट, ठीक है. जो हम ईमेल भेजते हैं ना, ईमेल क्या होता है? ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल. जब हम इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजते हैं, ईमेल भेजते हैं, उसके लिए हमें ऑब्वियसली इंटरनेट की ज़रूरत होती है. वो सिमिलर होता है राइटिंग अ लेटर. जब पहले ज़माने में हम बाय पोस्ट लेटर भेजते थे, लिख के हम लेटर लिखते थे, किसी को भेजते थे, फिर वो रिसीव करता था. सेम इज़ द केस विद द ईमेल. आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है, तो हम इंटरनेट के थ्रू वो लेटर अगर हमें भेजनी होती है, हम ईमेल में बहुत बड़ी लेटर लिख के भेजते हैं. IT की फुल फॉर्म होती है ना, IT स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी. IT की फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फुल फॉर्म है, ठीक है. अमीनो कंटेन्स कमांड्स दैट कैन बी सिलेक्टेड. मीनू जो होते हैं ना, मीनू होता है ना ऊपर, तो उसमें क्या होता है, उसमें कमांड्स होते हैं. फॉर एग्जांपल कोई भी कमांड हमें देनी होती है कंप्यूटर को, वो कमांड सारी मीनू में अवेलेबल होती है, और हम सेलेक्ट करते हैं कोई भी कमांड, तो फिर वो ऑपरेशन हो जाता है. प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर. प्रिंटर में अगर आपको क्या होता है, मॉनिटर में डिस्प्ले कराते हैं हम रिजल्ट, जैसे हम देंगे कंप्यूटर को कीबोर्ड से 2+2 = तो हमें 4 कहाँ पे दिखेगा? हमें मॉनिटर पे दिखेगा. वैसे अगर इस 4 को हमें प्रिंट कराना है, वो प्रिंट कैसे करेंगे हम कागज़ पे, प्रिंटर से, तो प्लॉटर, प्रिंटर एंड मॉनिटर जो है ना, ये आउटपुट डिवाइसेज, ये ग्रुप ऑफ आउटपुट डिवाइसेज है. प्लॉटर, प्रिंटर एंड मॉनिटर ये ग्रुप ऑफ आउटपुट डिवाइसेज है. एडिट मीनू जो मैंने अभी बोला कि मीनू पे क्या होते हैं, कमांड्स होते हैं, और जो भी हमें ऑपरेशन करने हैं, जैसे एडिट मीनू एक टाइप का मीनू है. एडिट मीनू, इसको हम इसलिए एडिट मीनू बोलते हैं क्योंकि इसमें ऐसी कमांड्स होती है जिससे हम एडिट कर सकते हैं. जैसे कोई डॉक्यूमेंट है हमारा, उसमें कोई पैराग्राफ हमें क्या करना है, हमें एक जगह उठाना है, वहाँ ख़त्म होना चाहिए और दूसरी जगह लेना है. हम क्या करेंगे, हम उसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए दबा के उसको हम सारे को उस, या सारा डॉक्यूमेंट उससे सेलेक्ट होता है. जैसे अब हमें एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है, हम
उतने ही में क्या करेंगे, हम अपने माउस से उतना सेलेक्ट करेंगे, उसमें कट करेंगे, इसलिए एडिट मेनू से क्या करेंगे, कट करेंगे, तो वहाँ पे वो गायब हो जाएगा। फिर जहाँ पे पेस्ट करेंगे वो वहाँ पे आ जाएगा। तो एक जगह गायब हो गया, दूसरी जगह हमने लाया। दूसरी चीज़ हो गया कॉपी करना। अगर एक पैराग्राफ लिखे मैं चाहती हूँ ये तीन जगह पे आ जाए, उस पैराग्राफ में कॉपी करूँगी लेकिन वहाँ वो गायब नहीं हो जाएगा, वो वहाँ पे भी रहेगा। फिर जब हम पेस्ट करेंगे फिर वो पैराग्राफ वहाँ वहाँ जहाँ पे हम पेस्ट करेंगे वहाँ पे हो जाएगा। जो एडिट मेनू होता है ना उसमें यही कमांड्स होती हैं, कट, कॉपी और पेस्ट। ठीक है, ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आपको एग्जाम में गलत होती हैं, इसलिए बार बार इनको सुनो, बार बार याद करो। तो कट, कॉपी, पेस्ट एडिट मेनू में होती हैं। तो मेनू में क्या होती है, कमांड्स होती हैं। एडिट मेनू में कौन कौन सी कमांड होती है, कट, कॉपी और पेस्ट कमांड्स होती हैं। शाबाश, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क इज नेटवर्क सर्वर। ठीक है, इंटरनेट नेटवर्क में, इंटरनेट भी क्या होता है, इंटरनेट द्वारा नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, और कोई भी नेटवर्क होता है, नेटवर्क में जो सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है ना वो नेटवर्क सर्वर होता है, क्योंकि सर्वर के पास सारा डेटा होता है जो फिर क्लाइंट्स को देता है। प्राइमरी पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डेटा इन्फॉर्मेशन। सॉफ्टवेयर का सबसे मेन पर्पज क्या होता है, जिसके लिए बनाया गया होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं कुछ काम करने के लिए। ठीक है, तो जब तक कि हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं होगा कंप्यूटर नहीं चलेगा, विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कोई काम नहीं होता है। ठीक है, तो प्राइमरी पर्पज क्या होता है, सॉफ्टवेयर एक जो डेटा होता है उसको इंफॉर्मेशन बनाना। डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या फर्क है, डेटा हो गया रॉ चीजें, रॉ जो भी हम इंफॉर्मेशन, जो भी हम रॉ चीजें देती हैं, इनपुट, रॉ इनपुट जो होता है ना वो होता है, रॉ इनपुट होता है डेटा। इंफॉर्मेशन होता है मीनिंगफुल, मीनिंगफुल डेटा जो होता है ना एक ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करके। जैसे हमने यहाँ पे मार्क्स दिए, 24 स्टूडेंट्स हैं हमारी क्लास में, हमने इनके मार्क्स लगाए एक्सेल शीट में, हमने उसमें फॉर्मूला दी कि इसको इनको जो है हाईएस्ट से लोएस्ट मार्क्स में तरतीब इसको दो, ऑर्गेनाइज करो, हाईएस्ट वाले मार्क्स को पहले, बच्चे को पहले लाओ, उसके कम मार्क्स जिसे उसके पीछे रखो। तो वो जब वैसे होता ना, इसको हम जब ऑर्गेनाइज करते हैं तब उस डेटा को हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, शाबाश। द एबिलिटी टू फाइंड एन इंडिविजुअल आइटम इन अ फाइल, फाइल अगर हमें इमिडिएटली चाहिए किसी भी फाइल से कोई इंडिविजुअल आइटम चाहिए तो हम डायरेक्ट एक्सेस यूज़ करते हैं। डायरेक्ट एक्सेस से हम कोई भी इंडिविजुअल आइटम फाइल से निकालते हैं। ठीक है, अगर हमें एक नोटबुक को एक्ट कराना है एज डेस्कटॉप मॉडल, तो उस नोटबुक को हम कनेक्ट करेंगे डॉकिंग स्टेशन से, जो कि हम इंटर्न कनेक्ट करेंगे मॉनिटर से और बाकी जो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं उनसे, तो वो बन जाएगा डेस्कटॉप। ठीक है, अगर आपको क्या करना है, अगर आपको आगे चलना है स्क्रीन पे, फॉर एग्जांपल आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, आपको आके कर्सर कहीं पे भी है स्क्रीन पे, आपको आगे लेना है उसको, आप टैब की यूज़ कर सकते हैं। टैब की से आप मूव कर सकते हैं कर्सर को अक्रॉस द स्क्रीन, या अगर आप, आपको इवन आपको पैराग्राफ भी स्टार्ट करना है उस टाइम पे भी आप टैब की इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स होती है ना उसको हम रिकॉर्ड बोलते हैं। जब भी रिलेटेड फाइल्स की एक कलेक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रिकॉर्ड बोलते हैं। स्टोरेज दैट रिटेन्स इट्स डेटा आफ्टर द पावर इज टर्नड ऑफ इज रेफर्ड टू एज नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। शाबाश, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज किसको हम बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज हम उस स्टोरेज को बोलते हैं अगर हमने पावर ऑफ भी कर दिया कंप्यूटर का, लेकिन जो हमने डेटा स्टोर रखा है उस स्टोरेज में वो वैसे का वैसा रहता है, वो गायब नहीं रहता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। इंटरनेट जो है ना, इंटरनेट जो है वो एग्जाम्पल है कनेक्टिविटी की, क्योंकि इंटरनेट होता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, उसमें बहुत सारे नेटवर्क जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो कनेक्टिविटी की एग्जाम्पल क्या है, इंटरनेट है। टेस्टिंग हम किसको बोलते हैं, टेस्टिंग हम बोलते हैं उस प्रोसेस को जब हम सॉफ्टवेयर कोड को टेस्ट कर रहे होते हैं कोई एरर ना हो उसमें, जब हम सॉफ्टवेयर कोड को एरर देखते हैं इसमें कोई एरर तो नहीं है, एरर के लिए टेस्ट करते हैं क्या इसमें कोई एरर तो नहीं है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं टेस्टिंग, दैट वी आर टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर। सो व्हाई वी आर टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर, वी आर चेकिंग दैट वेदर इज देयर एनी एरर इन द सॉफ्टवेयर और नॉट, इज इट एरर फ्री और नॉट। ठीक है, सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स होता है जैसे सिमेंटिक हो गया मीनिंग, लेकिन सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स में होते हैं स्पेसिफिक रूल्स एंड वर्ड्स दैट एक्सप्रेस लॉजिकल स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिथम। एक एल्गोरिथम का सिंटैक्स हो गया रूल्स, स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसके हिसाब से हमें एक एल्गोरिथम को लिखना है, तब जाके वो ठीक से चलेगा। चेंजिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है हम उसमें कोई चेंजेस लाते हैं तो हम उसको बोलते हैं एडिटिंग डॉक्यूमेंटेशन। अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है हम उसके एक पैराग्राफ को ग्रीन कर सकते हैं, ग्रीन कलर, दूसरे पैराग्राफ को ब्लू कलर, उसको बैकग्राउंड कलर कुछ दे सकते हैं, उसमें कुछ जो अगर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उनको बोल्ड कर सकते हैं, उसमें इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है, उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कर्स्यू में ला सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एडिटिंग डॉक्यूमेंटेशन जब हम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन में कोई चेंज लाते हैं। वर्चुअल मेमोरी होती है वो मेमोरी हार्ड डिस्क की
मेमोरी ऑन द हार्ड डिस्क दैट सीपीयू यूज़ एज एन एक्सटेंडेड रैम, जो सीपीयू एज एन एक्सटेंडेड रैम यूज़ करता है उसको हम हार्ड डिस्क पे, तो उसको हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी. गॉट इट? ओके. कंप्यूटर्स यूज द बाइनरी नंबर सिस्टम टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस. कंप्यूटर्स जो भी ऑपरेशन करता है ना वो क्या यूज़ करता है, वो बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ करता है. बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया वंस एंड ज़ीरोज़, ठीक है, वंस एंड ज़ीरोज़, जिसमें मशीन लैंग्वेज भी लिख के है, ठीक है. तो जो विंडोज़ होती है ना, ऑब्वियसली उसमें स्टार्ट बटन होता है टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन ऑफ अ टेक्स्ट. अगर आपको मतलब चार, यहाँ पे चार लाइन्स लिखे हैं, ये एक लाइन है, दूसरी, तीसरी लाइन है, तो आप अगर हमारे कर्सर यहाँ पे, अगर हम चाहते हैं इसको बिगिनिंग ऑफ द जो लाइन है, लाइन ऑफ टेक्स्ट, वहाँ पे ले जाए, तो हम क्या करेंगे, या हम हमारा कर्सर यहाँ पे, हम चाहते हैं यहाँ पे लाए, तो हमें क्या करना है, हमें होम की प्रेस करना है. होम की होती है हमारे पास, वो अगर हम प्रेस करेंगे तो कर्सर जो होता है वो हम कहाँ पहुँच जाते हैं, वो हमें ले जाता है बिगिनिंग ऑफ द लाइन ऑफ टेक्स्ट पे. व्हेन सेंडिंग एन ईमेल द सब्जेक्ट लाइन डिस्क्राइब्स द कंटेंट्स ऑफ द मैसेज. जब हम ईमेल भेजें ना, ईमेल के ऊपर होता है, एक तो होता है हमें किसको ईमेल भेजना है, रिसीवर का ईमेल आईडी और हमारा ईमेल आईडी होता है. एक तो होता है हमारा ईमेल आईडी, रिसीवर का ईमेल आईडी, उसके बाद एक और बॉक्स होता है जिसपे सब्जेक्ट लिख के होता है. सब्जेक्ट में जब हम लिखेंगे, जब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा एप्लीकेशन फॉर एजुकेटर, एप्लीकेशन फॉर एजुकेटर, तो ये पता चलेगा ये अप्लाई कर रहा है बंदा यहाँ पे. अगर मैंने अप्लाई किया एप्लीकेशन फॉर एप्लीकेशन रिलेटेड टू सम एरर्स, तो ये पता चलेगा कुछ एरर है, तो ये हमारा, इसने सब्सक्रिप्शन ली है तो कुछ एरर है, ठीक है. तो सब्जेक्ट डिटरमाइन करेगा अंदर मैसेज क्या होगी, क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है ना वो निचोड़ होता है हमारी ईमेल का और उस मैसेज का. टेबल्स पैराग्राफ्स एंड इंडेक्सेस वर्क विद व्हेन फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन वर्ड. ऑब्वियसली अगर हम टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं वर्ड में, ओब्वियसली उसमें हम टेबल्स भी डाल सकते हैं, पैराग्राफ्स भी, इंडेक्सेस भी, जो हमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं. टेराबाइट जो होता है ना वो स्टोरेज यूनिट होता है. टेराबाइट होता है 1024 जो है गीगा बाइट्स, और टेराबाइट से ये लार्जेस्ट यूनिट नहीं है. टेराबाइट्स के बाद क्या होता है, पेटाबाइट आता है ना. ये आपको पता होनी चाहिए. सबसे पहले बिट आता है, बिट के 8 बिट्स होते हैं बाइट के बराबर, फिर उसके बाद किलोबाइट, ठीक है, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, ठीक है, शाबाश. द ऑपरेटिंग सिस्टम टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट्स. ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को बोलता है कि कैसे आपके कंप्यूटर कंपोनेंट्स को कैसे यूज़ करना है, माउस को कैसे यूज़ करना है, चेक करता है कि क्या इसके जो पेरिफेरल्स है वो कनेक्टेड है और काम कर रहे हैं. व्हेन कटिंग एंड पेस्टिंग द आइटम कट इज टेम्पररी स्टोर्ड इन क्लिपबोर्ड. जब आप कट करते हैं ना कहीं पे, मैंने आपको बोला जब आप किसी भी चीज़ को, किसी एक वर्ड को, किसी एक नंबर को, किसी एक पैराग्राफ को कट करते हैं, वो वहाँ पे गायब होता है, फिर आप पेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आ जाएगा. लेकिन जब आप कट करते हैं ना फिर, तो उस टाइम पे वो टेम्पररीली क्लिपबोर्ड में स्टोर रहता है, फिर आप पेस्ट करते हैं और वो खत्म होता है, ठीक है. क्योंकि अगर आप जब आप काट करते हैं या कॉपी करते हैं तो वहां पे दिखा था भाई कॉपी टू क्लिपबोर्ड, कट टू क्लिपबोर्ड, ठीक है, सेव टू क्लिपबोर्ड, तो टेम्परेली सेव रहता है कहां पे, क्लिपबोर्ड. द ब्लिंकिंग सिंबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड कर्सर. जो ब्लिंक होता रहता है ना, ऐसे आता है फिर गायब होता है, फिर ऐसे आता है फिर गायब होता है, ठीक है. उस ब्लिंकिंग जो कंप्यूटर स्क्रीन पे सिंबल होता है ना, उसको हम कर्सर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कर्सर बोलते हैं. वो हमें दिखाता है, माउस की हेल्प से हम उस कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं, या टैब की हेल्प से भी, या होम की भी हेल्प से, ठीक है. मैंने आपको अभी बताया कि आपको होम की प्रेस करेंगे तो वो बिगिनिंग ऑफ द लाइन पे जाएगा, टैब से वो आगे चला जाएगा, ठीक. मैग्नेटिक टैब इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर एप्लीकेशंस. मैग्नेटिक टैब हम उस वहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते, कहाँ पे, जहाँ पे डेटा को हम वाई डेटा मस्ट बी क्विकली रिकॉल्ड. जहाँ पे डेटा को हमें क्विकली चाहिए वहाँ पे हम मैग्नेटिक टैप इस्तेमाल नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि जो टेप होता है ना वो सिक्वेंशियल होता है, वो सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम होता है. सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम का मतलब होता है जो मैग्नेटिक टेप होता है ना, पहले वो क्या करता है काम, पहले अगर ये स्टोरेज है हमारी मैग्नेटिक टैप की, ये यहाँ पे पहले ढूंढेगा क्या यहाँ पे है आइटम, नहीं मिला, फिर यहाँ पे जाएगा है आइटम, नहीं मिला, फिर यहाँ पे जाएगा है आइटम, नहीं मिला, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर वो पहले सारी एक एक करके नंबर 1 नंबर 3, तो ये सिक्वेंस में चलता है, ये डायरेक्ट एक्सेस नहीं देता है कि हमें अगर कोई डेटा चाहिए तो, अगर हमें जल्दी में कोई डेटा चाहिए तो उस टाइम हम मैग्नेटिक टेप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्विकली रिकॉल करने के लिए सही नहीं है, ठीक है. रोज एंड कॉलम्स आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज डेटा इन अ स्प्रेडशीट. स्प्रेडशीट में अगर हमें डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, हम करते हैं क्या काम, हम रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में उनको करते हैं, ऐसे जहां पे रोज एंड कॉलम्स मिलती है ना वहां पे वो सेल्स बनाता है, ठीक है, रोज और कॉलम्स के फॉर्म में, ठीक. व्हेन यू आर वर्किंग ऑन डॉक्यूमेंटेशन ऑन पीसी द डॉक्यूमेंट टेम्पररीली स्टोर्ड इन द फ्लैश मेमोरी, ठीक है. 1 megabyte equals to approximately 1 million
बाइटस, ठीक है. इन्फॉर्मेशन ट्रेवल्स बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ द मदरबोर्ड थ्रू बसेस. मदरबोर्ड में जो भी इन्फॉर्मेशन ट्रेवल होती है ना वो थ्रू बसेस ट्रेवल होती है, ठीक है, बसेस ट्रेवल होती है मदरबोर्ड पे. रैम रेफर्स टू द मेमोरी इन योर कंप्यूटर. रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसको हम वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि रैम में जो होता है, जो भी डेटा हम रखते हैं, अगर लाइट ऑफ हो गई, कंप्यूटर बंद हो गया, तो वो डेटा गायब होता है, वो वहाँ पर रही रहता है, इसलिए हम रैम को बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी भी. और रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है. और प्राइमरी मेमोरी भी उसको हम बोलते हैं. कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ लैन कैन शेयर इन्फॉर्मेशन एंड शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट. लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है. लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क. एक नेटवर्क होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी एक बिल्डिंग है, तीन मंजिला तीन स्टोरी बिल्डिंग है, हम तीन स्टोरीज में जो भी कंप्यूटर्स है हमारे पास हम उनको कनेक्ट करेंगे, तो लोकल एरिया नेटवर्क बन गया. इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं, हम आपस में एक दूसरे कंप्यूटर में इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं, और पेरिफेरल इक्विपमेंट्स भी शेयर कर सकते हैं. तीन जो तीन स्टोरीज होती हमारी बिल्डिंग में, हम एक ही वहां पे एक ही प्रिंटर रखेंगे. एक ही प्रिंटर जब हम रखेंगे ना, तो अगर हम थर्ड फ्लोर पे भी कंप्यूटर पे काम करें, वहां पे हम कमांड देंगे, तो नीचे वाले प्रिंटर पे, अगर प्रिंटर हमने नीचे रखा है, वहां पे वो डॉक्यूमेंट प्रिंट होके बाहर निकलेगा. या स्कैनर अगर हम एक ही रखेंगे तो रख सकते हैं. तो लैन का फायदा यही होता है, एक तो हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, और दूसरा हम क्या करेंगे, हम एक इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और पेरिफेरल इक्विपमेंट भी जो है शेयर कर सकते हैं. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है ना, वो एप्लीकेशन सूट होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. एप्लीकेशन प्रोग्राम और सिस्टम सॉफ्टवेयर, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या फ़र्क है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो एक स्पेसिफिक काम के लिए बना हुआ होता है. जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है ना, इसमें अंदर से पाँच सॉफ्टवेयर हैं. जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ठीक है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, ठीक. तो इसका मतलब यह है कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, एप्लीकेशन सूट है, इसमें अंदर से और बहुत प्रोग्राम्स है. यूटिलिटीज़ कैन हैंडल मोस्ट सिस्टम फंक्शंस दैट आरंट हैंडल्ड डायरेक्टली बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. यूटिलिटीज़ प्रोग्राम्स अलग, एक अलग प्रोग्राम होता है जो ये बहुत ज़्यादातर फंक्शंस जो है हैंडल करता है कंप्यूटर के, जो ऐसी फंक्शन जो कि डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हैंडल नहीं कर पाता है, ठीक है. If you receive an email from someone you don't know, then you should delete it without opening it. अगर आपको किसी ऐसी person से, किसी ऐसे email ID से email आता है, तो आपको उसको open नहीं करना चाहिए, आपको without opening उसको delete करना चाहिए, क्योंकि वो spam हो सकता है, वो phishing link हो सकती है. अगर आपने उस पर क्लिक किया गलती से भी, तो आपके सारे passwords आप वो दूसरे के पास चले जाएंगे, या आपका सारा control system का उसके पास चले जाएगा, क्योंकि आपको पता है आजकल cyber attacks ज़्यादा होते हैं, hacking का ज़माना है, ठीक है. A set of instructions जो होती है ना, जो कंप्यूटर को बोलते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम बोलते हैं प्रोग्राम, ठीक है. और ऐसे अगर सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं ना, उन सेट ऑफ प्रोग्राम्स को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है. ये बार बार रिपीट हो जाएंगी चीज़ें, आप टेंशन नहीं लो. लैन रेफर्स टू स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क. आपको पता है लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और ये छोटा एक नेटवर्क होता है, ठीक है. A collection of programs that controls how your computer system runs and process information is called operating system. Operating system क्या होता है? इसमें collection of programs होता है, जो आपके computer को चलाना बोलता है कि आपको कैसे run करना है. पहले वो check करता है कि जो components जुड़े हुए हैं computer के साथ, क्या वो काम करें ठीक से या नहीं करें. Device drivers are small special purpose programmers, ठीक है. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज परफॉर्म बाय सीपीयू. सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. अगर किसी बच्चे का कंप्यूटर ज़्यादा वीक है, तो वो इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकता है, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत बार मैंने पढ़ाई, इसलिए मैं फास्ट बोल रही हूँ. सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इसको हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है. सीपीयू बना होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का और कंट्रोल यूनिट का. सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस वहाँ पे होते हैं. कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है सारे, इनको देखता है, चेक करता है. तो जब इनपुट हम देते हैं कीबोर्ड से या माउस से या स्कैनर से, वो आउटपुट बन जाता है. वो प्रोसेसिंग कौन करता है? वो सीपीयू करता है. जैसे 2+2 हम देते हैं, इनको कौन ऐड करता है? सीपीयू करता है. फिर हमें डिस्प्ले होता है मॉनिटर पे 4, ठीक है. तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज परफॉर्म्ड बाय सीपीयू. डेटा जो भी कंप्यूटर में जाएगा वो एज एन इनपुट जाता है. तो डेटा गोइंग इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट. जो भी डेटा कंप्यूटर में जाएगा वो एज एन इनपुट जाएगा, ठीक है. बाइनरी चॉइस ऑफर ओनली टू ऑप्शंस. बाइनरी में सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं, 1 और 0. 1 का मतलब होता है ऑन, 0 का मतलब होता है ऑफ. 1 का मतलब होता है हाई वोल्टेज, 0 का मतलब होता है लो वोल्टेज, ठीक है.
शाबाश. टू इंटेंड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर रिपोर्ट यू शुड यूज टैब की. ठीक है, अगर आपको पैराग्राफ में आना है तो टैब की आप यूज़ कर सकते हैं. टैब की से आप आगे भी जा सकते हैं. फील्ड्स आर डिस्टिंक्ट आइटम्स दैट डू नॉट हैव मच मीनिंग टू यू इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट. अ वेबसाइट एड्रेस इज अ यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक वेबसाइट ऑन द वेब. फॉर एग्जाम्पल आप वर्ल्ड वाइड वेब पे जाते हैं, www की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब. इस पे आप जैसे सर्च इंजन पे कोई वेबसाइट सर्च करते हैं, मैं कोई भी वेबसाइट दूंगी, ठीक है, तो जैसे facebook.com में दूंगी, तो वो एक यूनिक नाम होता है, तो उससे मैं कहाँ पहुँच जाऊँगी, मैं फेसबुक पे पहुँच जाऊँगी. ठीक है, यूट्यूब का वेबसाइट दूंगी, मैं यूट्यूब पे पहुँच जाऊँगी, मैं अपने फेसबुक प्रोफाइल का जो है ये दूंगी, जैसे वो होता है URL, जैसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो मैं उस अपने पेज पे पहुंच जाऊंगी. वैसे ही वेबसाइट का एड्रेस होता है, जैसे किताब होती है ना, वैसे एक वेबसाइट होती है, वो बहुत सारे पेजेस की बनी हुई होती है. उसका जो ऊपर वाला पेज होता है ना, वो होम पेज होता है. तो हर एक वेबसाइट का एक यूनिक नाम होता है. वो नाम जब हम जब वेब पे देते हैं ना, तो वो हमें उस वेबसाइट तक ले जाता है. जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट होती है, उसका जब मैं ID ये दूंगी, यूनिक एड्रेस दूंगी, नेम दूंगी, जब वेबसाइट एड्रेस दूंगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, वो मुझे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाले वेबसाइट पे ले जाएगी. जैसे किताब के अंदर डिफरेंट पेजेस होते हैं, वैसे वेबसाइट में अंदर होम पेज के अंदर डिफरेंट वेब पेजेस होते हैं. जब भी आप किसी भी लिंक पे क्लिक करोगे, वो आप अंदर से आपको डिफरेंट वेब पेज पे ले जाएगा. मॉडेम एग्जाम्पल होती है एक टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस की. मॉडेम क्या होता है, एक टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस होता है. जब भी आप इंटरनेट कनेक्शन करते हैं, तो आप मॉडेम के साथ जुड़ जाते हो, मॉडेम के थ्रू जो है जुड़ जाते हो. A set of computer programs used for a certain function such as word processing is the best definition of software package. ठीक है, software package क्या होता है, ये set of computer programs होते हैं जो आपको for certain function के लिए आप इस्तेमाल करते हैं. You can start Microsoft Word by start button. Start button पे भी आपको Microsoft Word आप start कर सकते हो. और जैसे मैंने आपको बोला, जो ब्लिंकिंग सिंबल होता है स्क्रीन पे, जो आपको दिखाता है कि नेक्स्ट करेक्टर अगर आप कुछ दबाएंगे इस पे कीबोर्ड पे, तो आपका वो कहाँ पे लिख के आएगा, तो उसको, उस ब्लिंकिंग सिंबल को क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको बोला उसको हम कर्सर बोलते हैं. ठीक है, हाईलाइट एंड डिलीट हम यूज़ करते हैं एक पैराग्राफ को रिमूव करने के लिए. किसी भी रिपोर्ट से अगर आपको कोई पैराग्राफ डिलीट करें, आप उसको पहले हाईलाइट करोगे, ये वाला एरिया सेलेक्ट करोगे, फिर उसको डिलीट बटन दबा के वो डिलीट हो जाएगा. डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एंड टास्क बार. टास्क बार भी आपको डेस्कटॉप पे, जो टास्क बार होता है ना, वहाँ पे आपको नीचे आपको दिखता है क्या, डेट भी दिखता है, आज का डेट है, और टाइम भी दिखता है. डायरेक्टरी विद इन अ डायरेक्टरी इज कॉल्ड सब डायरेक्टरी. अगर हम एक डायरेक्टरी के अंदर दूसरी डायरेक्टरी बनाएंगे ना, उसको हम बोलते हैं सब डायरेक्टरी. ठीक है, और जैसे मैंने बोला, टेस्टिंग क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है टू फाइंड एरर इन अ सॉफ्टवेयर. जब हम सॉफ्टवेयर में एरर देखते हैं, कहीं इसमें कोई एरर तो नहीं है, उसको हम बोलते हैं टेस्टिंग. ठीक है, इन एक्सेल चार्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग चार्ट विजर्ड ऑप्शन. एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम चार्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं, हम करते हैं इसको चार्ट विजर्ड ऑप्शन यूज़ करके. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट्स का इस्तेमाल भी हम करते हैं. माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कैटेगरीज. उनमें क्या क्या आता है, फिजिकल इक्विपमेंट, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी. ठीक है, अ टूल बार कंटेन्स बटन्स एंड मेनूज दैट प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड. जैसे हमें कोई भी टूल बार क्या प्रोवाइड करता है, हमें बटन्स और ऐसे मेनूज होते हैं, जैसे एडिट मेनू होता है, होम होता है, फाइल होता है, ठीक, इंसर्ट होता है, तो उसमें जो हमें क्विकली एक्सेस चाहिए ना, तो वो सारे बटन्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं. अगर हमें कोई क्रिएट करना है, एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो हम न्यू उस टाइम इस्तेमाल, जैसे हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर WPS आपके फ़ोन में होगा, अगर आप वो खोलोगे तो वहाँ पे आपको आता है प्लस साइन, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना, फिर वहाँ पे कुछ भी हम लिख सकते हैं. इनपुट डिवाइसेस इक्विपमेंट यूज टू कैप्चर इन्फॉर्मेशन एंड कमांड्स. ऑब्वियसली इनपुट डिवाइस से हम कैप्चर करते हैं इन्फॉर्मेशन भी और कमांड्स भी, या डेटा भी और कमांड भी, ज़्यादा सही रहेगा डेटा बोलना. ठीक है, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंटेन्स स्पेसिफिक रूल्स एंड वर्ड्स दैट एक्सप्रेस द लॉजिकल स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिथम. उसको हम सिंटैक्स बोलते हैं ना, सिंटैक्स, क्योंकि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है ना, उसका एक सिंटैक्स होता है, उसमें रूल्स, स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, जो हमें लॉजिकल स्टेप्स दिखाते हैं एक एल्गोरिथम के. ठीक है, वन एडवांटेज ऑफ डायल अप इंटरनेट एक्सेस इज इट यूटिलाइजेस एग्जिस्टिंग टेलीफोन सिक्योरिटी. जो हमारे पास एग्जिस्टिंग टेलीफोन सिक्योरिटी होती है, डायल अप इंटरनेट वही इस्तेमाल करता है. ठीक है, अगर हम प्रोटेक्ट करेंगे ना डेटा को, हम उसको कॉपी करके रखेंगे ओरिजिनल सोर्स से, जैसे मेरे फ़ोन में बहुत सारे फोटोज़ है, वीडियोज़ है, कॉन्टैक्ट्स है, मैं उनको कॉपी करके रखूँगी अपने टैब में या लैपटॉप में, तो उसको बोलते हैं बैकअप. क्योंकि कभी होता है इंसान कुछ हो जाए या फ़ोन की मेमोरी फुल हो जाए, उसको फॉर्मेट किया जाए, उसको हम बोलते हैं बैकअप. ठीक है, बैकअप होना बहुत ज़रूरी होता है आजकल के ज़माने में.
नेटवर्क कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू द सेम केबल इन द स्टार टोपोलॉजी. डिफरेंट टोपोलॉजीज होती है, किस तरह से आप अपने कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क में कनेक्ट करोगे ना, वो डिपेंड करेगा वो कौन सी टोपोलॉजी आप यूज़ करते हैं. तो उनमें से एक टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी. ठीक है, जब आप दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ फॉर इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, उसको हम बोलते हैं नेटवर्क. तो नेटवर्क तभी बनता है जब दो तीन कंप्यूटर्स को आप जोड़ते हैं या दस कंप्यूटर्स को आप आपस में जोड़ते हैं उस इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए या पेरिफेरल इसके लिए. तो उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं नेटवर्किंग. ठीक है, शाबाश. अ कंप्यूटर चेक्स द डेटाबेस ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर अ मैच बिफोर ग्रांटिंग एक्सेस. फॉर एग्जांपल, अगर आप कंप्यूटर में कंप्यूटर ओपन करते हैं तो ऑब्वियसली यूजुअली हर एक अपने कंप्यूटर में एक यूजर नेम और पासवर्ड रखता है, तो आपको पासवर्ड देना पड़ता है और वो चेक करता है अपने डेटाबेस में क्या ये पासवर्ड, क्या ये नेम के साथ पासवर्ड मैच होता है, क्योंकि एक वो अकाउंट बना के होता है वहाँ पे जिसमें यूजर नेम देके होता है, आपको पासवर्ड देना होता है. जब वो मैच हो जाएगा यूजर नेम और पासवर्ड, तब जाके आपको एक्सेस ग्रांट होगा कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ करने का. लेकिन ये डिपेंड करेगा ओनर पे कि वो, जैसे मेरा लैपटॉप है मैं उसमें रखूंगी कोई चेकिंग सिस्टम पासवर्ड, यूजर पासवर्ड मांगेगा वो कि नहीं. ठीक है, कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं ना, जो कन्वीनियंट होते हैं उन यूजर्स के लिए कि जो ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, पोर्टेबल चीज़ होती है जो आप मूव कर सकते हैं एक दूसरे के एक जगह से दूसरी जगह, उनको बोलते हैं लैपटॉप्स. ठीक है, लैपटॉप्स का क्या फ़ायदा है डेस्कटॉप से, लैपटॉप का ही फायदा है, हम उसको कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं. ठीक है, स्पैम इज अ टर्म, स्पैम इज अ टर्म फॉर अनसॉलिसिटेड ईमेल. अनसॉलिसिटेड ईमेल मतलब होगा स्पैम, ऐसा होता है कि जो अननेसेसरी ईमेल्स हमारे ईमेल बॉक्स में आती है, एक फोल्डर होता है स्पैम का, आपने देखा होगा. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर टाइप ऑफ प्रोग्राम कंट्रोल्स द वेरियस कंप्यूटर पार्ट्स एंड अलाउज द यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर. ऑब्वियसली यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो होते हैं ना, वो बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करने में हमें हेल्प करता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता वो करता है. ईच सेल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डॉक्यूमेंट इज रेफर टू बाय इट्स सेल एड्रेस. हम उन जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होते हैं ना, उसमें ऐसे रोज एंड कॉलम्स का बना होता है, जहाँ पे रोल एंड कॉलम मिलेगा ना वहाँ पे सेल बनेगा. ठीक है, सेल बनेगा. ठीक है, इन वर्टिकल इनको बोलते हैं हम कॉलम, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उनको रो बोलते हैं. ऊपर ये ए बी सी डी लिखा होता है ऐसे, यहाँ से 1 2 3 4 होता है. अब ये जो सेल है ना, इसका एड्रेस क्या बनेगा, 1A. ठीक है, ये जो सेल है ना इसका बनेगा 1B, अगर ये सेल है इसका बनेगा 2B, अगर ये सेल है उसका बनेगा 2D, है ना. तो वो होता है सेल एड्रेस. तो हर एक सेल का अपना सेल एड्रेस होता है कि किस कॉलम में है और किस रो में है. ठीक है, शाबाश. 8-digit binary number is called a byte. देखो 8 bits जो होते हैं ना, basically bit जो होता है ना वो smallest unit होता है. जब 8 bit मिलते हैं ना तो वो एक byte बनाते हैं, और अगर 4 ही bits होंगे ना तो वो बनेगा एक nibble. ठीक है, और half byte हम उसको बोलते हैं, तो that means एक nibble half byte के बराबर होता है. शाबाश. ऑफिस लेंस दैट आर स्प्रेड जियोग्राफिकली अपॉट ऑन अ लार्जर स्केल. जैसे ऑफिस लेंस होती है ना जियोग्राफिकली, एक एक शहर में होता है दूसरे दूसरे शहर में होता है, उसको हम वैन से कनेक्ट करते हैं. वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क. जैसे मैंने बोला एक ही बिल्डिंग में कनेक्शन करता है, वो हम लैन से करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क. स्टोरेज इज प्रोसेस ऑफ कॉपिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया टू द हार्ड डिस्क. उसको हम स्टोर करके रखते हैं. जैसे वेब पेज होता है ना, वेब पेज मैंने अभी बोला, वेबसाइट्स में वेबसाइट्स बनी होती है डिफरेंट वेब पेजेस के. जो वेब पेज होता है ना उसका कोड रिटन होता है किस लैंग्वेज में, HTML लैंग्वेज में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. HTML की फुल फॉर्म क्या है, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है ये HTML की फुल फॉर्म है. Small application programs that run on web page and may ensure a form is completed properly or provide animation are known as flash, जैसे Adobe Flash होता है. ठीक है, इन अ रिलेशनल डेटाबेस टेबल इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट ऑर्गेनाइज द इन्फॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल टॉपिक इन टू रोज एंड कॉलम्स. ठीक है, कोई जैसे DBMS होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें RDBMS होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. उसमें डेटा स्ट्रक्चर जो होता है ऑर्गेनाइज किया होता है रोज और कॉलम्स में, ऑब्वियसली, और बहुत सारे रोज एंड कॉलम्स जुड़े हुए होते हैं. द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम्स, लेकिन यहाँ पे एक करेक्शन है, जो पहले कंप्यूटर प्रोग्राम्स है ना उसमें मशीन लैंग्वेज यूज़ की गई, उसके बाद असेंबली लैंग्वेज आई. असेंबली लैंग्वेज में न्यूमोनिक्स का इस्तेमाल होता है, और जब इसको ट्रांसलेट करना होता है, असेंबली लैंग्वेज को हम ट्रांसलेट करते हैं जब मशीन लैंग्वेज में, उस टाइम हम असेंबलर का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, वैसे ही अगर हमें हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, हम इंटरप्रेटर या हम कंपाइलर का इस्तेमाल करते हैं. इंटरप्रेटर एक लाइन एक बार करता है
कन्वर्ट उसी को रन करता है, लेकिन कंपाइलर पहले पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं। तो ट्रांसलेटर्स हैं क्या, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर जो है वो ट्रांसलेटर्स हैं। व्हेन द पॉइंटर इज पोजिशनड ऑन द हाइपरलिंक इट इज शेप्ड लाइक अ हैंड। हमारा जो पॉइंटर होता है ना माउस का, वो पहले ऐसे होता है, ठीक है, जब हम किसी हाइपर लिंक पे भेजते हैं उसको लेते हैं, हमारा अगर हाइपर लिंक होगी जब हम उस पर क्लिक करेंगे वो हमें वो किसी और पेज पे ले जाएगा, जब हम उसको हाईलाइटेड पे ले जाएंगे, हाइपर लिंक पे ले जाएंगे, ये जो कर्सर होता है ना ये ऐसे हाथ बनता है, हाथ बनता है, सॉरी मैंने ये ठीक से नहीं बनाया, ये हाथ जैसा बनता है ऐसे, ठीक है, शाबाश। बूटिंग प्रोसेस चेकस टू एंश्योर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर ऑपरेटिंग एंड कनेक्टेड प्रॉपर्ली। जब बूट होता है ना कंप्यूटर, वो एंश्योर करता है कि जितने पेरिफेरल्स, जितने कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के, वो प्रॉपरली कनेक्टेड है और ऑपरेटिंग है, ठीक है। चेकिंग द एग्जिस्टिंग फाइल इज सेव्ड ऑन द डिस्क, द यूजर डिटरमाइन व्हाट प्रोग्राम्स आर अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर। हम देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर पे कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल है। जब हम स्पेशल इफेक्ट देते हैं ना स्लाइड्स में, जब हम पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी एक प्रोग्राम है, किसका, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो होती है ना उसमें डॉट पीपीटी एंड लगता है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जब हम स्लाइड्स में इंट्रोड्यूस करते हैं कोई स्पेशल इफेक्ट, उसको हम बोलते हैं एनिमेशन, एनिमेशन डालना उसमें, ठीक है। कंप्यूटर सेंड एंड रिसीव डेटा इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल्स। ऑब्वियसली जो डिजिटल कंप्यूटर है वो जब सेंड करते हैं डेटा या रिसीव करते हैं डेटा, वो इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल्स करते हैं। माइक्रो मोस्ट वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस कंटेन एचटीएमएल कमांड्स इन द लैंग्वेज। मैंने आपको बोला कि वेब पेज जो होते हैं ना हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से कोडिंग की होती है, वेब पेजेस बने हुए होते हैं। जो आइकन्स होते हैं ना, आइकन्स क्या होते हैं, वो जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, जियोग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं टू रिप्रेजेंट कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन। आइकन्स जो हमें दिखते हैं, जैसे हम डेस्कटॉप या लैपटॉप खोलते हैं तो हमें जो जियोग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं उस पर, उसको हम आइकन्स बोलते हैं, जैसे माई कंप्यूटर होता है, बिन होता है। यूनिक्स जो होता है ना इज़ नॉट ओनड एंड लाइसेंसड बाई एनी कंपनी। ये एक ओपन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स एक ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप कंप्यूटर की कोई भी विंडो खोलोगे, जैसे मैंने अभी खोल के रखी है, मैं खोलती हूँ कोई भी चीज़, आपको देख, जैसे ये विंडो होती है यहाँ पे ऊपर राइट पे ऊपर क्या होता है, एक तो ये माइनस जैसा होता है मिनिमाइज़ करने के लिए, ये एक जैसा होता है मैक्सिमाइज़ करने के लिए, और क्रॉस होता है क्लोज करने के लिए। ये तीन चीज़ें आप देखोगे, एक तो होता है मैक्सिमाइज़ बटन, मिनिमाइज़ बटन और क्लोज बटन अपीयर होता है टाइटल बार पे, ठीक है। डायलअप सर्विस जो होता है ना इंटरनेट कनेक्शन का, जो इंटरनेट कनेक्शन सर्विस होती है वो स्लोवेस्ट होती है डायलअप सर्विस कनेक्शन, लेकिन ये एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल करती है, उसकी सिक्योरिटी का इस्तेमाल करती है, लेकिन डायलअप सर्विस जो होता है इंटरनेट कनेक्शन सर्विस का वो स्लोवेस्ट होता है। एवरी कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर इज इधर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जो भी आपके कंप्यूटर का कंपोनेंट है ना, या तो वो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, दो में से एक चीज़। जैसे कीबोर्ड हो, माउस हो, मॉनिटर हो, सीपीयू, ये हार्डवेयर्स होते हैं। प्रोग्राम्स हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो, पीपीटी हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ये क्या, ये सॉफ्टवेयर से, सॉफ्टवेयर को आप जो है टच नहीं कर सकते हैं। गॉट इट, शाबाश। अगर आप चेक करते हैं कि कोई पिन कोड जो है ना, पिन कोड नंबर, ये वैलिड है बिफोर एंटरिंग इनटू द सिस्टम, इसको हम बोलते हैं डेटा वैलिडेशन करना, देखना कि जो हम डेटा दे रहे हैं या सही है कि नहीं है, तो उसको हम डेटा वैलिडेशन बोलते हैं। जो कंपाइलर होता है, जैसे मैंने आपको बोला, एक कंपाइलर ट्रांसलेट्स हाई लेवल प्रोग्राम्स इनटू मशीन लैंग्वेज विच इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। मशीन लैंग्वेज को हम ऑब्जेक्ट कोड भी बोलते हैं, बाइनरी कोड भी बोलते हैं। जब हाई लेवल प्रोग्राम्स जो होते हैं ना, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स, उनको हमें मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स में कन्वर्ट करना होता है, तो हम कंपाइलर का इस्तेमाल करते हैं ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है। एबिलिटी टू फाइंड एन इंडिविजुअल आइटम इन फाइंड इमीडिएटली, अगर हमें ढूंढनी होती है उसको हम डायरेक्ट एक्सेस बोलते हैं, जब हम ढूंढ पाते हैं इमीडिएटली, ठीक है। कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ लैन कैन शेयर इन्फॉर्मेशन और शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट। जो लोकल एरिया नेटवर्क के साथ कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं, ये तो इन्फॉर्मेशन भी शेयर भी कर सकते हैं और पेरिफेरल इक्विपमेंट भी शेयर कर सकते हैं। सीडी क्या होता है, कंपैक्ट डिस्क। सीडी क्या होता है, कंपैक्ट डिस्क। आर डब्ल्यू हो गया रीड राइट, आर हो गया रीड और आर डब्ल्यू हो गया राइट। सीडी आर डब्ल्यू डिस्क कैन बी इरेज एंड रिटर्न। जो सीडी आर डब्ल्यू होते हैं ना, ये हम क्या कर सकते हैं ना, इसको हम इरेज भी कर सकते हैं और फिर दोबारा लिख भी सकते हैं बर्न करके, ठीक है। तो टू मेजर कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूड सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उसकी दो मेजर किस्में होती है, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। विंडोज 95, विंडोज 98 एंड विंडोज एनटी आर नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट वर्जन है ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। अ स्प्रेडशीट दैट वर्क्स लाइक अ कैलकुलेटर फॉर कीपिंग ट्रैक ऑफ मनी एंड मेकिंग
बजट्स और वो हम स्प्रेडशीट में कर सकते हैं ये चीज़ें. टू टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन सोर्स एंड ब्रिंग इट टू योर कंप्यूटर इज द फोर्ट एज डाउनलोड. जैसे मैंने आपको बोला इंटरनेट सर्वर, इंटरनेट पे जो सर्वर कंप्यूटर होता है वहाँ से हम कोई चीज़ अपने कंप्यूटर पे लाएंगे उसको हम डाउनलोडिंग बोलते हैं. अगर हम अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पे कोई चीज़ देंगे उसको हम अपलोड बोलेंगे. ईच बॉक्स इन अ स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट का जो हर एक बॉक्स मैंने आपको दिखाया उसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं. और मैंने आपको बोला कैसे सेल एड्रेस भी होता है, रोज एंड कॉलम जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे सेल बनती है. नेटवर्क कंपोनेंट जो होते हैं ना वो कनेक्टेड होते हैं टू द सेम केबल इन द बस टोपोलॉजी. किस टोपोलॉजी में, बस टोपोलॉजी में सेम केबल पे जुड़े हुए होते हैं. जब भी दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं हम क्या बोल सकते हैं कि एक नेटवर्क बन गया. और कंप्यूटर मैंने आपको बोला कि डेटाबेस में चेक करता है यूज़र नेम और पासवर्ड मैच होता है कि नहीं होता है, तब जाके वो एक्सेस ग्रांट देता है. जो अनसोलिसिटेड ईमेल होता है हमारे एक फोल्डर होता है ईमेल में उसको हम स्पैम बोलते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है कंप्यूटर के पार्ट्स को और अलाउ करता है कंप्यूटर को इंटरेक्ट करने के लिए आपस में पार्ट्स को, ठीक है. ईच सेल इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट इज रेफर बाय इट्स सेल एड्रेस विच इज सेल रोज एंड कॉलम जो होती है ना, नाम उनका एक सेल है, वही होता बनता है सेल एड्रेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ठीक है. और डाउनलोड होता है कि कॉपी करना सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को किसी और स्टोरेज मीडिया से और अपनी हार्ड डिस्क पे लाना. कोड जो होता है वेब पेज के लिए वो क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ये रिपीट हुआ है. और तो अगर आपको कोई भी आउटपुट देखना है आप क्या करते हैं, मॉनिटर का इस्तेमाल करते हैं. सीडी जो होती है ना, सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कम्पैक्ट डिस्क. ये हमेशा क्या, ये यूजुअली क्या होती है, हमेशा राउंड इन शेप होती है. कंट्रोल की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. आपको पता है अगर आप कंट्रोल डिलीट एस्केप दबाओगे आप एग्जिट कर पाओगे. तो कंट्रोल जब हम दूसरी कीज़ के साथ इस्तेमाल करते हैं ना, कंट्रोल की जो हमारी कीबोर्ड पे कंट्रोल की होती है, शिफ्ट की होती है, टैब की होती है, होम की होती है, एस्केप की होती है, वैसे कंट्रोल की होती है. अगर उसके साथ हम कंट्रोल प्रेस करने के साथ दूसरी की प्रेस करते हैं तो स्पेसिफिक टास्क हम कर सकते हैं. स्कैनर जो होता है ना, स्कैनर ट्रांसलेट करता है इमेजेस ऑफ टेक्स्ट ड्राइंग्स एंड फोटोज इनटू डिजिटल फॉर्मेट. स्कैन क्या करता है, स्कैनर क्या है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो इनपुट लेता है, स्कैन करता है चीज़ों को, कंप्यूटर में भेज देता है. तो ये एक इनपुट डिवाइस है, ये चाहे इमेजेस हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे ड्राइंग्स हो, चाहे फोटोज हो, उनको डिजिटल फॉर्म में ट्रांसलेट करता है. सीपीयू जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें दो यूनिट्स होते हैं, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट होता है. सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस वहीं पे होते हैं, उसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर माना जाता है, सारी प्रोसेसिंग वहीं पे होती है. समथिंग विच हैज ईजिली अंडरस्टूड इंस्ट्रक्शन, जहाँ पे बहुत ही ईजिली अंडरस्टैंड हम कर पाएंगे इंस्ट्रक्शन को, उसको हम बोलते हैं यूज़र फ्रेंडली, के बहुत यूज़र फ्रेंडली है. तभी हम बोलते हैं ना हमारी वेबसाइट ऐसी बनाओ कि जो यूज़र फ्रेंडली हो, मतलब यूज़र्स को ईजी हो यूज़ करना. इंफॉर्मेशन को हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन हम डिजिटल डेटा के तौर पर स्टोर करते हैं. अगर हमें नया कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो तो न्यू डॉक्यूमेंट वाला कमांड हम इस्तेमाल करते हैं. प्रोग्राम्स एंड डेटा कैप्ट इन मेन मेमोरी वाइल द प्रोसेसर इज यूज, जब प्रोसेसर यूज़ सीपीयू यूज़ करता है डेटा को, प्रोग्राम्स को, वो उनको हम मेन मेमोरी में रखते हैं. अगर हम कंट्रोल प्लस ए कमांड दबाएंगे, क्या अगर हम कंट्रोल के साथ ए कमांड दबाएंगे उससे क्या सारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा. क्योंकि जब भी हमें कोई ऑपरेशन करना होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ ये तीन लाइनें जो है ना ये रेड कलर में आ जाए, मैं डायरेक्टली इनको रेड कलर में नहीं ला सकती हूँ, मुझे पहले इनको कंट्रोल और या माउस से इन तीन को सिलेक्ट करना है. अगर मुझे पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर कंट्रोल ए दबाऊंगी, अगर 500 पेजेस भी होंगे ना वो सारे के सारे 500 पेज सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर मैं कोई ऑपरेशन कर पाऊंगी, उनका कलर चेंज कर पाऊंगी, फॉन्ट चेंज कर पाऊंगी, कुछ भी करना होगा. जैसे हम ईमेल भेजते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल, वो सेम होता है एज लेटर राइटिंग का. ये फिर से रिपीट हुआ है. आंसर शीट्स जो बैंक पीओज या क्लर्क्स आप तो सारे एग्जाम में जो भी आंसर शीट्स होते हैं ना ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, उसको हम चेक करते हैं कैसे, ओएमआर से. उनको हम ओएमआर शीट्स भी बोलते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर. ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है ना वो क्या होता है, इनपुट होता है, वो लेता है फिर प्रोसेस करता है, फिर जल्दी ही हमें रिजल्ट्स मिलते हैं. अगर हमें लैक्स ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं वो वाले पेपर्स भी चेक करेगा और उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. तो ऑप्टिकल मार्क रीडर से हम उसको आंसर शीट्स को चेक कर पाते हैं. इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज प्रोवाइड स्ट्रेटजिक एंड ऑपरेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी. डिजिटल सिग्नल्स यूज्ड इन आईएसडीएन हैव, सॉरी ये कट गया है,
असेंबलर इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर. असेंबलर क्या करता है, ये एक ट्रांसलेटर है जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में या ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है. असेंबली लैंग्वेज जो ना वो न्यूमोनिक से बनी हुई होती है. पहले हम असेंबली लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे, अब हम हाई लेवल लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं. मैनुअल डेटा कैन बी पुट इनटू कंप्यूटर बाय स्कैनर. ठीक है, जब हमारे पास अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है, मुझे एक कंप्यूटर में डालें, जैसे मेरे पास 5 कॉपीज है, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, तो मैं स्कैन करूँगी, वो डायरेक्टली उस पर आ जाएगा. जैसे हमारी सर्टिफिकेट्स होते हैं, हम स्कैन करके वो स्कैनर से डिजिटल फॉर्मेट में लाते हैं. इन अ बैंक आफ्टर कंप्यूटराइजेशन, वो साफ आता है. ठीक है, इन अ बैंक आफ्टर कंप्यूटराइजेशन चेक्स आर टेकन केयर बाय MICR. हम बैंक में हम MICR इस्तेमाल करते हैं. द बैंक्स यूज MICR डिवाइसेस टू मिनिमाइज कन्वर्जन प्रोसेस. इमेजेस कैन बी सेंट ओवर टेलीफोन बाय यूजिंग स्कैनर. ठीक है, माइक्रोचिप एलिमेंट्स आर यूनिक टू अ स्मार्ट कार्ड. MS DOS जो होते हैं ना, वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. क्या MS माइक्रोसॉफ्ट DOS जो होते हैं ना, वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. ठीक, शाबाश. तो डू राइट इन द कमेंट सेशन कि कैसा लगा आपको सेशन. ठीक है, लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स. बेसिक कैन बी यूज्ड फॉर साइंटिफिक एंड कमर्शियल पर्पजेज. ठीक है, ऑल कंप्यूटर्स कैन एग्जीक्यूट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स, क्योंकि मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ आती है. जो हम रोम में रखते हैं ना, एक हो गया रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. मैंने आपको बोला ये वोलाटाइल होता है. अगर कंप्यूटर को हम ऑफ करेंगे, कंप्यूटर की इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाएगी, तो जो भी रैम में होगा वो गायब हो जाएगा. इसलिए हम उसको वोलाटाइल बोलते हैं, वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं. जो रोम होता है ना, रोम की फुल फॉर्म क्या है, रीड ऑनली मेमोरी. ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी हम इसको बोलते हैं. क्या, नॉन वोलाटाइल मेमोरी. इसमें जो भी डेटा होता है, प्रोग्राम होता है, वो गायब नहीं हो जाता, वो इरेज नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होने पर या कंप्यूटर को बंद होने पर. इथरनेट इज यूज्ड फॉर हाई स्पीड टेलीकम्युनिकेशन. इथरनेट को हम यूज करते हैं किसके लिए, हाई स्पीड टेलीकम्युनिकेशन को यूज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. आईपी एड्रेस कैन चेंज इवन इफ द डोमेन नेम रिमेन्स सेम. आईपी एड्रेस चेंज होता है 32 बिट्स का होता है आईपी एड्रेस. हर एक कंप्यूटर का अपना एक आईपी एड्रेस होता है. अगर फॉर एग्जाम्पल जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, वो क्राइम यूजुअली मोबाइल फोन से करते हैं, क्योंकि मोबाइल फोन में हर एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम पे आईपी एड्रेस चेंज होता रहता है और लोकेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. ईच डायरेक्टरी एंट्री कैन बी ऑफ 32 बाइट्स विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल प्लस डिलीट एंड लेटर कैन बी इरेज्ड इन वर्ड डॉक्यूमेंट में आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ एक और क्या दबाया, डिलीट, तो स्पेस पे टास्क बन गया, फिर तो कोई भी लेटर इरेज हो सकता है. या कोई पैराग्राफ डिलीट करना है, उसको हाईलाइट करो, कंट्रोल प्लस डिलीट दबाओ, या वो क्या हो जाएगा, डिलीट भी हो जाएगा. डिस्क कैन कीप मैक्सिमम डेटा. फोटॉन इज अ साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज. फोटॉन भी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है. कंप्यूटर लैंग्वेज कोबॉल इज यूजफुल फॉर कमर्शियल वर्क. देखो फोटॉन भी एक साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज है. कंप्यूटर लैंग्वेज जो कोबॉल है ना, COBOL, ये यूज होती है किसके लिए, कमर्शियल वर्क के लिए. कोबॉल इज अ हाई स्टैंडर्ड लैंग्वेज लाइक इंग्लिश. ठीक है, इन कंप्यूटर द लेंथ ऑफ अ वर्ड इज मेजर्ड बाय बाइट्स. कितने बाइट्स का वर्ड है. बाइट इज अ यूनिट ऑफ स्टोरेज मीडियम. रोम क्या होता है, रोम इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज. रोम कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है. ये क्या है, ये मेमोरी है, रीड ऑनली मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी. सो ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है. ऑरेकल क्या है, ऑरेकल इज अ डेटाबेस सॉफ्टवेयर. स्विच सर्किट इज फुल एड. ठीक है, गॉट इट. एक प्रोसेसर के बगैर नहीं चलेगा, प्रोसेसर जरूरी है कंप्यूटर के लिए. रोम कीप्स परमानेंट मेमोरी, जैसे मैंने आपको बोला. स्क्रीन डिस्प्ले इज कॉल्ड बाय विंडोज इन लोटस. पास्कल इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज. पास्कल भी क्या है, पास्कल भी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है. फोर्टान भी है और जो है कोबॉल भी है. एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ IBM इज इंटरनेशनल बिजनेस मशीन. IBM की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन. IC चिप्स किसके बने होते हैं, इंटीग्रेटेड चिप्स. इंटीग्रेटेड चिप्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो सिलिकॉन के बने हुए होते हैं. इंडिया सिलिकॉन वैली इज सिचुएटेड एट. इंडिया की सिलिकॉन वैली, जैसे USA में सिलिकॉन वैली है ना, इंडिया की सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं, बैंगलोर को बोला जाता है. ठीक है, रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी आर द स्टोरेज डिवाइसेज ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस होते हैं. DOS DOS जो होता है इज टू क्रिएट रिलेशन बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. लोटस 123 क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है. वॉइस मेल इज अ पर्सनल सिक्योरिटी कोड फॉर GSM यूजर्स. ठीक है, टेबल्स होल्ड एक्चुअल डेटा इन द डेटाबेस में. टेबल्स टेबुलर फॉर्मेट ये. अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ट्रोजन क्या है. ट्रोजन क्या है, एक वायरस है. जब हम वायरसेस का पढ़ते हैं तो उसमें हम ट्रोजन भी पढ़ते हैं. ट्रोजन क्या है, एक वायरस है. स्टैटिक कीज में ये, इसे वेब इनसिक्योर बनता है. वीडियो सिग्नल नीड्स हाईएस्ट बैंडविड्थ. ऑब्वियसली अगर आपको वीडियो कॉल करनी है, उसके लिए ज़्यादा बैंडविड्थ चाहिए देन ऑडियो कॉल. कनेक्टिविटी मीन्स कम्युनिकेशन बिटवीन द सिस्टम्स. ऑब्वियसली जब अगर हमें कम्युनिकेट करना है, उसके लिए कनेक्टिविटी होनी बहुत ज़रूरी है.
controlling is not required for high level language programs before it is executed. Three out of three rollers are responsible for the movement of cursor on the screen. Cursor ke niche rollers lage hue the ball. Hardware that adds two numbers is arithmetic logic unit. Data accuracy is not done by modem. मोडम एक जो है टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस है. लैंड इज यूज फॉर नेटवर्क सेटअप विद इन अ बिल्डिंग. एक बिल्डिंग में अगर हमें नेटवर्क को सेटअप करना है तो हम लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़ते हैं उनको. एक डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए टर्मिनल डिवाइस चाहिए, कम्युनिकेशन चैनल चाहिए, प्रोटोकॉल्स यूज होती हैं. अगर जो आजकल के नेटवर्क्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ क्या होता है, सैटेलाइट का इस्तेमाल होता है. देखो ये सेशन खास तौर पे उन बच्चों के लिए जिनका कंप्यूटर्स वीक है. मुझे पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका ये सारा क्लियर है, बट ये उन सेशन उन बच्चों के लिए जो परेशान है कंप्यूटर्स के लिए. ठीक है. फाइव डिजिट कार्ड एट्रीब्यूट यूज्ड फॉर पोस्टल ZIP कोड, इट विल बी रेस्टोर्ड एज अ न्यूमेरिक कोड. कंप्यूटर वायरसेस कैन बी अटैच टू एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम. ऑब्वियसली वायरस एक किसी भी प्रोग्राम के साथ अटैच होगा और आपके कंप्यूटर में आके नुकसान कर सकता है. MS-DOS वॉज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम. स्मॉलेस्ट स्पेस वायर इन्फॉर्मेशन ऑन अ हार्ड डिस्क इज कैप्ट इन अ क्लस्टर एंड इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डेटा. जब हम डेटा को प्रोसेस करते हैं वो इन्फॉर्मेशन बनती है. इंटेलिजेंस इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर की खुद की कोई इंटेलिजेंस नहीं होती है. जो हम इसको बोलेंगे वही कर सकता है, उतना ही कर सकता है जितना हम इसमें प्रोग्राम डालेंगे. प्राइवेट की यूज टू स्पेंड अ डिजिटल सिग्नेचर के लिए एक प्राइवेट की इस्तेमाल होती है. नेगेटिव नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी. VDU इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर. द प्रिंटर्स आर प्रिंटर के जो टाइप्स है ना वो है लाइन प्रिंटर्स, लेजर प्रिंटर्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स. ठीक है. जो स्पीड ऑफ क्लॉक होती है ना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की, CPU की स्पीड ऑफ क्लॉक होती है, उसको मेजर किया जाता है मेगाहर्ट्ज़ में. कैश जो है ना कैश मेमोरी या कैचे मेमोरी या कैश मेमोरी, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है. कैश मेमोरी बहुत फास्ट है और एक्सपेंसिव भी है. दिस कैन बी यूज्ड टू स्टोर सीक्वेंशियल फाइल्स एंड रैंडम फाइल्स. विंडोज कोई एप्लीकेशन नहीं है. व्हेन टेकिंग द आउटपुट इन्फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड इन हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी फॉर्म. कंट्रोल यूनिट फंक्शन इज टू डिकोड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस. द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर अमंग द फॉलोइंग इज सुपर कंप्यूटर. बहुत ही पावरफुल होता है. गो टू स्टेटमेंट इज यूज्ड इन C++ बेसिक लैंग्वेज में. गो टू स्टेटमेंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं. फाइल मीनू इज सेलेक्टेड टू प्रिंट. अगर हमें प्रिंट करना होता है ना तो फाइल मीनू में ऑप्शन होता है प्रिंट ऑप्शन का भी, और उस टाइम हम प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं. द नेम अ यूजर असाइन्स टू अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड अ फाइल नेम. फाइल नेम होता है जो हम किसी भी डॉक्यूमेंट को कोई भी नाम देते हैं. ठीक है, शाबाश. कंट्रोल वर्ड्स आर वर्ड्स दैट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज सेट असाइड अपने खुद के यूज के लिए. मॉनिटर एंड प्रिंटर जो है वो दो टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस है. तो एक्सेस प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज देखनी होती है तो हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं माउस से पहले उस पर. तो ऑपरेटिंग सिस्टम से कंप्यूटर का यूज करना ईजी हो जाता है, वो कंप्यूटर को रन कराता है. कनेक्शंस टू इंटरनेट यूजिंग अ फोन लाइन एंड अ मोडम आर कॉल्ड डायल अप कनेक्शन, उसको हम बोलते हैं. टू एक्सेस अ मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर यूजर्स ऑफन यूज अ टर्मिनल. अ फ्लॉ इन अ प्रोग्राम दैट कॉजेज इट टू प्रोड्यूस इनकरेक्ट और इनअप्रोप्रिएट रिजल्ट इज कॉल्ड बग. मतलब एरर, अगर कोई फ्लॉ होगा, कोई एरर होगा प्रोग्राम में, उसको हम बग बोलते हैं. और अगर हम उस बग को निकालेंगे उसको हम डीबगिंग बोलते हैं. एक वेबसाइट का एड्रेस यूनिक होता है और अगर हम जो एड्रेस देंगे वो हमें वेब पे उस वेबसाइट पे पहुंचा देगा. ठीक है. और वेबसाइट जो वेब पेजेस होते हैं वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के बने हुए होते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट सेशन और आई थिंक आज के लिए सफिशिएंट है. और डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा. हम पूरा कंप्यूटर्स ऐसे ही रिवाइज करेंगे कहानी की तरह से, जैसे कहानी स्टोरी हम सुनते हैं ना, जैसे हम नॉर्मली बातें करते रहते हैं, आपका नाम क्या है, हम वहाँ से कैसे पढ़ेंगे, तो सीधे वैसे मैंने आपको ये बताया. ठीक है. तो ये कंटिन्यू रहेगा ऐसे बच्चों के लिए जिनका कंप्यूटर्स वीक है. बाकी MCQ सीरीज जो है कंप्यूटर्स की पार्ट 13, 12 पार्ट्स मैंने कराया है. जिसने नहीं देखे वो हमारी YouTube चैनल पे प्ले लिस्ट पर बना के, हर एक चीज़ का प्ले लिस्ट बना के आप जस्ट जाके चेक करो. मॉडर्न हिस्ट्री चाहिए, इंडियन पॉलिटी चाहिए, इकोलॉजी एनवायरमेंट चाहिए, आर्ट एंड कल्चर चाहिए, कंप्यूटर्स चाहिए, सारे वहाँ पे बना के हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं. बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ.